हुआ कि पिछले 12 सालों से मैं अपने जबरी तौर पर गुमशुदा वालिद की बात याद करती हुई आई। आज एक बार फिर मैं कराची में प्रेस क्लब के सामने से आर्ट्स काउंसिल आई हूँ और यहाँ पर हमारी रैली शुरू हो रही है जो कि कराची प्रेस क्लब पर खत्म है और आज हम दोबारा भी इसी इन्हीं चीज़ों पर आए हैं कि बलूचिस्तान में जो हाल ही में जिस तरह से जबरी गुमशुदगियों में तेज़ी लाई गई है, जिस तरह से लोगों को मामले अदालत कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह से आम शहरियों को जो है फेक इनकाउंटर में मारने का दावा किया जा रहा है, बलूचिस्तान गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो है पूरा एक जो है हर जगह से वहाँ पर 50 से ज़ायद लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे हैं या पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, पाकिस्तान की जो अदलिया है वो बिल्कुल इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अभी तक हम नहीं देख रहे हैं कि किसी अदारे की जानिब से इस पर कोई मजम्मती बयान आई है या अभी तक हम नहीं देख रहे हैं कि किसी अदारे की जानिब से इन कार्रवाइयों के खिलाफ कोई नोटिस लिया गया है। तो हम हमेशा से बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ और इस तरह के वाकयात के लिए सड़कों पर आते रहे हैं। अभी मेरे पीछे सिंध असम्बली में के सामने यहाँ पर PTM के कारकुनान भी धरना दिए बैठे हैं, उनके भी इसी तरह के जो है मुतालबात है, वो भी अली बदरी की रिहाई के लिए यहाँ पर कई दिनों से बैठे हैं। इससे चंद दिन पहले यहाँ पर सिंधी लोग जो है अपने लोगों की बाजियाबी के लिए इसी तरह धरने दिए बैठे हुए थे। तो ये पूरे मुल्क में जबरी गुमशुदगी का मसला फैल चुका है और हम हर तरफ से जो है हमारे मुतालबात, हमारी जदोजहद, हमारे जो है धरने मुजाहरे तमाम पुरम तरीके से हो रहे हैं और वो कानून और आइन के दायरे में हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, इतने सालों से हम कानून और आइन के तहत अपने मुतालबात का जो है हम अपने मुतालबात का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इसके खिलाफ बिल्कुल खामोश है और कोई संजीदगी इख्तियार नहीं कर रही है। गुज़िश्ता साल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हमारी मुलाकात हो गई थी, खासकर मैं खुद उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने जो है लापता अफराद की बाजियाबी का यकीन दहानी करवाया और इससे पहले भी वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ बार बार स्टेटमेंट्स देते थे, बात करते थे कि वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एक्शन उठाएंगे, जो है जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं ये एक साल के अरसे को जोड़े गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो है बलूचिस्तान में 50 से ज़ायद लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है, जिनमें बेशतर लोग स्टूडेंट्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मजदूर हैं, जो आम शहरी हैं जो डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं और वापस अपने घरों तक जाते हैं, या वो आम तलबा हैं जो अपने यूनिवर्सिटियों से, जो अपने कॉलेजों से वापस घरों तक आ रहे थे, उनको जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। तो आज एक दफ़ा फिर मैं पाकिस्तान के जितने इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि खुदारा बलूचिस्तान को इस तरह आग में जलाने से रोके, खुदारा बलूचिस्तान को जो है इस मसले से निकालने की कोशिश करें। बलूचिस्तान के लोग जिस दर्द और अजियत से गुजर रहे हैं वो शायद आप लोगों को नज़र नहीं आती होगी, लेकिन शायद जिस तरह से हम यहाँ पर शहरों में जो सड़कों पर बैठने पर मजबूर हैं, हम आपसे मुतालबा करें हमारी आवाज़ सुने और बलूचिस्तान में ये जो जितनी गुमशुदगियाँ हो रही हैं या खासकर मामले अदालत जो कत्ल हो रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठे। देखें, जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं आर्ट काउंसिल के सामने, हमें वहाँ से पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ आप लोग खड़े नहीं हो जाए कि बिलावल भुट्टो जब्दा भी अंदर बैठे हुए हैं। हमने कहा कि अफसोस की बात है कि हमारी माएँ बहनें इस वक्त धूप में खड़ी हैं, छाँव से हमें निकाल के बाहर कर दिया है कि बिलावल भुट्टो, लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो को आना चाहिए, इन बहनों और बेटियों के सर पे हाथ रखी, शफकत की, अपने दो बातें तसल्ली के इनको कह देते ताकि उनकी तसल्ली होती कि बिलावल भुट्टो भी हमारे साथ हैं और इदारे तहकी करने हमारे साथ हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे साथ साथ PTM का भी कैंप लगा हुआ है, उनको भी देख रहा है और सुन रहा है, लेकिन उनमें इतनी जुनात नहीं है जो बलूचों के पास आए या पश्तूनों के पास बैठे, उनके साथ दो नफ हमदर्दी के वो को